महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव कल होने जा रहा है और नागपुर का फेमस तर्री पोहा है। ये तर्री पोहा खाते खाते हम आम लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट करेंगे। पहले इन दादा से पूछते हैं, दादा कल चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन से अहम मुद्दे पर आप वोट करोगे? अहम बोलो तो जो अपने को आम जनता को धंधे में फुटपाथ वालों को परेशान करते ही है, ये परेशानी है। और जो रोड का काम चालू किए है, रोड का काम कंप्लीट कर देनी है और दूसरे रोड का काम चालू कर देते, ये रोड की समस्या है। आइए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो तर्री पोहा खा रहे हैं, नागपुर में आए और तर्री पोहा खाए, ऐसा कभी होता नहीं है। दादा आप हमें कौन से मुद्दे पे वोट करोगे ये बताइए। अगर नई सरकार आएंगी, अगर डेवलपमेंट करेंगी तो हम जरूर वोट करेंगे। जिस तरह से अपनी महाराष्ट्र की स्थापना हुई है 1 मई 1960 में, उस टाइम से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत कम हुए है। और अभी तेलंगाना स्टेट अभी जो हालांकि 10 ही साल हुए उसको, और उसने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, मान लो रोड के मामले में हो या हरियाली के मामले हो, उन्होंने इतना नेचर को इतना ज़्यादा ये दिया है महत्व। और हमारी महाराष्ट्र स्टेट जो है वो नेचर को कम ही ज़्यादा मतलब महत्व देती है। अगर नागपुर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो ये जो नागपुर में इतना टेम्परेचर, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आप कौन सी समस्या को लेकर जूझ रही है, क्या अपेक्षा है और कौन से अहम मुद्दे पर आप वोट करोगे? कौन सा भी अपन ये करेंगे, कोई भी आए, मगर हम है कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट जो है तो हम अपनी तकलीफ बता नहीं सकते, मगर सरकार कोई भी आए तो अच्छा दवा खाना सुविधा अच्छे होने को होना, बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को, तो अच्छा सुविधा होने को होना। यानी आप खुद मरीज है और इनको अस्पताल से सुविधा चाहिए, दादा आप क्या बताएं? देखो सर, आज के डेट में नागपुर में बेरोजगारी, महंगाई, नागपुर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बोलो, हर जगह पे महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, बहुत लोगों का वही प्रॉब्लम है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी को सामान्य आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं। सिलेंडर के दाम पहले 600-700 रुपये थे, अभी 1100-1000 रुपये हो गए है ना। पेट्रोल के दाम देखो इतने बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गई है, तो ये महंगाई से हमको अभी छुटकारा चाहिए। आप क्या कहेंगे? महंगाई मेन मुद्दा है, यही महंगाई। आप क्या कहेंगे? आप तो युवा, आपकी क्या राय? विकास तो अच्छा हुआ है नागपुर में, और दूसरा विकास की जरूरत है नहीं हमारे को, अच्छा विकास हुआ है। अच्छा चाचा आप आए, आप क्या बताना चाहते? अरे क्या बताना है, महंगाई तो इतनी कर दिया, क्या बताना है, कब कंबर तोड़ डाले। अच्छा महंगाई से परेशान हो? काय से परेशान है, लोग बेरोजगारी घूम रहे इधर सब, नौकरी है क्या? नौकरी नहीं है बोल रहे हैं क्या? आप कौन से अहम मुद्दे पे वोट करोगे? हर इलेक्शन में कोई भी पार्टी का नेता हो, हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, जैसे इनके घर में ही पैदा हो रही है आश्वासन, लेकिन वो हमारा पूरा आश्वासन कंप्लीट करते नहीं है। बाद में फिर 4 साल वो दिखते नहीं, जनता में कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन ये इलेक्शन पीरियड में जो आते हैं, पैर पड़ते हैं, बख्शीश देते हैं, ये बांटते हैं, वो बांटते हैं, लोगों को बहकाते हैं, सिर्फ ये इलेक्शन पीरियड में देखने को मिलता है, बाद में कोई नेता आता नहीं है। नागपुर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम मानते हैं। और बेरोजगारी जो आज की पीढ़ी है उसको जो काम मिलना चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि बेरोजगारी अपने आप आ जाएगी, बच्चों को भी पढ़ाई करना पड़ता है, बेरोजगारी मिलती है वो भी करते हैं, लेकिन जो सुविधा होती है MPSC UPSC के एग्जाम होके 3-3, 4-4 साल एग्जाम पास होने के बाद में भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, 5-5 साल नहीं होती, एग्जाम देने के बाद एग्जाम कैंसिल होती है, उसमें उम्र बढ़ती है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, शादी की उम्र निकल जाती है, तो ये होना नहीं चाहिए। समस्या आप बोल रहे हैं, आप क्या बताएंगे? ऐसा बढ़ते कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक जो भी नेता है उन्होंने वो कॉलेज ओपन न करता कुछ ना कुछ मतलब रोज़गार देना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद के कॉलेज ही ओपन करने चाहिए। तो काफ़ी लोगों से हमने, नागपुर के लोगों से बात की, तो कई है मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये महिलाओं ने कहा है कि जिस प्रकार से रोजगार मिलता है उसी प्रकार से हर अस्पताल में जो कैंसर पेशेंट है उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ की आम जनता ने रखी है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ वैभव अरब, ABP News नागपुर। Oh, 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 oh